ने इसके लिए 5 साल का कार्यक्रम की शुरुआत की और 300 करोड़ रुपए भी रखे। लेकिन आज स्थिति इतनी बेकाबू है कि भारत का साथ देने आई विदेशी कंपनियां भी गंगा की हालत देखकर भाग गई। क्या आप यकीन करेंगे? चलिए आपको उन आंकड़ों और उन योजनाओं के विषय में बताते हैं जिसे गंगा साफ करने के लिए बनाया गया था और इनका कितना प्रभाव रहा, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, दिसंबर 2018 में मोदी ने अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में एक रैली में कहा कि गंगा में प्रदूषण कम करने में सरकार को सफलता मिल रही है, लेकिन विपक्ष का यह दावा है कि सरकार इस मामले में अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही। सच भी यही है कि गंगा की सफाई का काम बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है। हालांकि इस समस्या पर पहले से काफी ज्यादा धन खर्च किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि 1568 मील लंबी इस नदी को साल 2020 तक पूरी तरह से साफ किया जा सकेगा। ऐसा भी दावा किया गया था, लेकिन ये तो पूरा होता दिखाई नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गंगा मैली क्यों है? दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म मानने वाले गंगा को पवित्र नदी मानते हैं। ये नदी हिमालय के गंगोत्री से निकलकर वाराणसी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके तट पर हजारों शहर और गांव बसे हैं। आज के दौर में गंगा नदी के सामने जो मुश्किलें हैं, उनमें मुख्य हैं कारखानों से निकलने वाला जहरीला प्रदूषित पानी, घर और कारखानों से निकलने वाला कचरा, प्लास्टिक जो बड़ी मात्रा में नदी में फेंका जा रहा है, खेती के लिए भूतल जल का दोहन, पानी के बहाव को रोकने वाले बांध जिनका पानी सिंचाई और दूसरे काम के लिए किया जा रहा है। पिछली सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उसका परिणाम कभी सही रूप में दिखाई ही नहीं दिया। वहीं वर्तमान सरकार ने 2015 से हर साल गंगा की सफाई पर कई परियोजनाओं पर खर्च किए, लेकिन दोस्तों जिस तेजी से काम होना चाहिए था वो कभी नहीं हुआ। और इसका जिक्र सरकार की 2017 की ऑडिट रिपोर्ट में भी किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 2 सालों में उपलब्ध कराए गए बजट का 1/4 से भी कम खर्च किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक परियोजनाओं के अप्रूवल में देरी, योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए बजट का कम खर्च किया जाना और मानव संसाधनों की कमी के चलते तय लक्ष्यों को पूरा करने में देरी हो रही है। 2018 संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 236 सफाई परियोजनाओं में से महज 63 को ही पूरा किया गया था। फिर सरकार ने कहा कि मार्च 2019 तक गंगा 70-80% स्वच्छ हो जाएगी और 2020 तक 100% का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। कुछ हिस्सों में सुधार के भी संकेत मिले हैं। 6 सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों के पानी के नमूनों की जांच करने वाले विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट में पाया गया कि पानी की गुणवत्ता ऑक्सीजन के मामले में सुधर रही है, जो पानी में जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो फिर अभी समस्या क्या है? अभी भी कई मुद्दे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आबादी वाले क्षेत्र में प्रदूषित जल को साफ करना। साफ सफाई की देखरेख करने वाले सरकारी संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया कि नदी के मुख्य भाग पर बसे 97 शहर हर दिन 2.9 अरब लीटर प्रदूषित जल छोड़ते हैं, जबकि इन्हें साफ करने की वर्तमान क्षमता केवल 1.6 अरब लीटर प्रतिदिन है। इसका मतलब ये हुआ कि हर दिन 1 अरब लीटर से ज्यादा प्रदूषित पानी नदियों में प्रवेश करता है। इनमें सीवर से प्रदूषित जल भी शामिल है। इसी रिपोर्ट का अनुमान है कि 2035 तक इस इलाके में हर दिन 3.6 अरब लीटर प्रदूषित जल छोड़े जाने लगेंगे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 46 शहरों में 84 ट्रीटमेंट प्लांट में से 31 काम नहीं कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा 14 प्लांट अपनी क्षमता के हिसाब से पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए कई प्रयास भी किए गए। कानपुर औद्योगिक क्षेत्र में चमड़ा उद्योग से निकलने वाले जहरीले पानी को गंगा में गिराने पर रोक लगा दी गई। धार्मिक आयोजनों पर इस्तेमाल होने वाले गंगा के स्नान क्षेत्रों को भी साफ किया गया है। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पिछले साल की जून की रिपोर्ट कहती है कि 41 में से सिर्फ 4 जगह ही इनकी जांच में साफ या कम प्रदूषित पाए गए थे। गंगा की सफाई की प्रगति पर सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गंगा का पानी ही केवल पीने लायक है, क्योंकि यहाँ के पानी को कीटाणु रहित किया गया था। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि गंगा को साफ करने की दिशा में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। यहां तक कि सरकार ने लक्ष्य को प्राप्त करने का समय सीमा भी बढ़ा दिया। मार्च 2019 तक 80% गंगा और मार्च 2020 तक पूरी नदी की सफाई का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा नहीं हुआ। वहीं 2017 में भी भारत और जर्मनी के बीच नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत जर्मनी ने भारत से समझौता किया था कि वो गंगा को साफ करने की कोशिश करेगी, क्योंकि गंगा से पहले जर्मनी राइन, एल्ब
और दान्यूब जैसी यूरोपीय नदियों को साफ कर चुकी है। इनमें कोयले की सप्लाई के दौरान नदी का पानी काला पड़ गया था, जिस पर जर्मनी ने प्रोजेक्ट चलाया और नदी को क्रिस्टल की तरह साफ कर दिया। इसे देख ही भारत सरकार ने भी जर्मनी को गंगा की सफाई का प्रोजेक्ट दिया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि जर्मनी की कंपनी सफाई अभियान के कुछ समय बाद ही भारत छोड़कर भाग गई। और दोस्तों, अगर हम आपको वजह बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जर्मनी की कंपनी गंगा की गंदगी देखकर नहीं भागी, बल्कि गंगा के इतने प्रदूषित होने के बावजूद लोगों के लगातार इसमें कूड़ा और पूजा सामग्री प्रवाहित करता देख जर्मनी ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। क्योंकि ना तो सरकार ने लोगों को रोकने के लिए कोई नियम बनाया और ना ही लोगों ने खुद से इसका अनुपालन किया, जिसके बाद गंगा को साफ करने का मतलब ही खत्म हो गया। क्योंकि जब तक उसमें गंदा पानी, घरों का कूड़ा और फैक्ट्रियों के केमिकल प्रवाहित होने बंद नहीं होंगे, तब तक गंगा को साफ नहीं किया जा सकता। लेकिन 2020 में जब इंसान गंगा को साफ नहीं कर पाए और कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया लॉक हो गई, तब हवा की गुणवत्ता में भी सुधार आया और गंगा भी अपने आप साफ होने लगी, वो भी बिना किसी योजना के। पर भारतवासियों ने इसे भी ज्यादा समय तक टिकने नहीं दिया और वो समय भी आ गया जब कोरोना के कारण मरने वालों की तादाद बढ़ते हुए लाशों के ढेर लग गए और लोगों ने गंगा को पवित्र नदी मानते हुए उसमें अपनी लाशों को बहा दिया। ये भी नहीं सोचा कि जिस गंगा में हम अपनों को बहा रहे हैं, वही पानी हमारे शरीर में भी जाता है। गंगा, जिसे भारत में इतना ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है, उसके आंचल को दूषित करने से आज कोई भी पीछे नहीं है। अगर सरकार योजना बनाती भी है तो आम जनता इसका सहयोग नहीं करती। अगर सरकार कोई योजना नहीं लाती तो जनता इसका विरोध करती है। यहाँ जरूरत है दोनों के सहयोग की। इसी से गंगा जैसी पवित्र नदी को साफ किया जा सकता है। वरना वो दिन दूर नहीं जब गंगा के पानी से बीमारियां फैलने लगेंगी और तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही गंगा में प्रदूषण फैलने पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।